वेलकम बैक टू माय चैनल खुलुम्बाई बॉय खोबर। मेरी नई वीडियो में आप लोगों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछली जो मेरी वीडियो है तो आप लोग वो देख ही चुका होगा कि मैं देवघर झारखंड पे आई हूँ। तो क्या हुआ, जो थोड़ी सी जो हम लोगों की जो मंदिर है देवघर का, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी। और मतलब कि बहुत जल्दी हम लोगों को अभी जाना हो रहा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस रीजन की वजह से अब आज ही हम लोग निकलेंगे। बट जो है ना, मतलब कि हम लोगों की जो गाइड है उसने बोला कि लाइक मणिकपुर बोल के एक जगह है झारखंड में, तो उधर में ही मतलब कि हम लोगों की जो ठाकुर जी है वो इधर में पिकनिक खाते थे। तो हम लोग ने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। और आप लोग अगर देखना चाहता है तो मेरी वीडियो में जारी रखिए। सुबह की 5 बजे में अभी हम लोग निकल पड़े हैं मॉर्निंग प्रेयर के। हम लोगों का मॉर्निंग प्रेयर से दिन शुरुआत होता है, फिर उसके बाद में मॉर्निंग प्रेयर के बाद में हम लोग जा रहा है हमारी जो ठाकुर फैमिली है उधर में, उस आश्रम में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ के जो वातावरण है बहुत ही शांत और बहुत ही फेस है। वातावरण है ना बहुत ही शांत और बहुत ही फीस है। और हम लोगों के जितना भी ठाकुर मंदिर है वो व्हाइट कलर का ही होता है, पूरा पेड़ों से लगा हुआ है। देखिए फिर इधर में हमारी आचार्य देव बैठा है और सब लोग उसी का इंतजार कर रहा है। इस जगह में ही हमारी जो ठाकुर फैमिली है वो रहता है। और ज्यादातर आप लोग देख रहे होंगे व्हाइट कलर होता है, व्हाइट मींस एन पीस, और हम लोग पीस को बिलीव करता है। जगह में पिकनिक खाते हैं और सोचा कि हम लोग इस जगह में भी थोड़ी सी देख लेते हैं। हमारी जो ठाकुर जी है वो हर साल 9 जनवरी 9 जनवरी पे पिकनिक खाते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है इधर भी, बहुत ही शांत, चारों तरफ पेड़ पौधे से लगाया हुआ है, पूरा हरियाली। रास्ता जो है पूरा हरियाली ग्रीन ग्रीन कलर का है, ऐसा लगता है कि पूरे रास्ते में कारपेट बिठा के रखा हो। बहुत ही सुंदर जगह है ये। 9 जनवरी में हम सत्संगी लोग भी हमेशा पिकनिक खाते हैं हर साल, क्योंकि हमारी ठाकुर जी पिकनिक खाते थे 9 जनवरी को। ये बहुत ही बड़ा बड़ा चूल्हा है जहाँ पे खाना बनाया जाता था और खाना बनाया जाता है अभी। इतना बड़ा चूल्हा और इतना बड़ा कढ़ाई, देखो सब लोग इधर में खाना खाते थे। बहुत ही शांत जगह है, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, देखो आप लोग देख सकता है पीछे से मेरी फ्रेंड की मम्मी चल के आ रही है। देखो आगे इतना दिन बाद आया हम लोग, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। और ये जगह कैसा लगा? ये जगह तो
ना अंकल आ, अंकल नहीं आंटी, मैं ना इतना कंफ्यूज होती हूँ, अंकल को आंटी बोलती हूँ, आंटी को अंकल बोलती हूँ, इतना कंफ्यूज होती हूँ मैं। कोई बात नहीं। अच्छा लगा, सोचा मतलब इतना घूमने के लिए वक्त नहीं मिला, आंटी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी, बट अब मजा आता और मजा आता, बट अभी ठीक हो गया आंटी, बहुत मजा हुआ। अभी हम लोग उधर से निकल के गांव के रास्ते से होके जा रहा है। इंडिपेंडेंट डे की जो फ्लैग है अभी भी उतारा नहीं था, अभी भी लगाया हुआ है। हम लोग जो है वाका रास्ता से, मतलब कि पहाड़ी रास्ता से होके जाएंगे, शॉर्टकट रास्ते से, हाईवे की तरफ से नहीं जाएंगे हम लोग। और बहुत ही सुंदर नज़ारा भी हम लोग देखने को मिलेगा, चारों तरफ पेड़ और हरियाली। लोग बाबा धाम जा रहा है, ये कोई कोई गाड़ी से जा रहा है और कोई कोई पैरों से चल के जा रहा है। बाबा धाम जो है ये हमारे सत्संग मंदिर जो है उधर से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट 1 to 2 किलोमीटर की दूरी में है। ये लोग सुल्तानगंज से चल के आया है, पूरा अपना पैर से चल के उतना दूर वो लोग जाएंगे। इतनी श्रद्धा, देखो इतनी मुश्किल और इतनी कठिनाई व्रत है ये, पूरा सो के जाता है, भगवान को पाने के लिए इतना कष्ट दे रहा है खुद को। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, शायद ही कोई ऐसा कर पाता है, मानना पड़ेगा जो ऐसा कर पाता है। बका रोड की तरफ होते हुए हम लोगों को एक लोकेशन मिला, तो सभी को ही सोचा कि इधर में थोड़ा सा फोटोशूट करेंगे। बहुत पेड़ पौधे ऐसा है, पहले जब मैं एकदम बचपन में आई थी ना, तो ये पूरा सूखा सूखा जगह हुआ करते थे, बट अभी गवर्नमेंट और जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो बहुत इनिशिएटिव लेके पेड़ पौधा ये सब लगाया है। और मतलब कि बिलीव ही नहीं करेंगे कि सूखा ऐसा फील नहीं होता है, बट पहले पूरा बंजर लाल मिट्टी ऐसा हुआ करते थे, इतना अच्छा है ना। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. अभी हम लोग किसानगंज पहुंच गए हैं, पूर्णिया क्रॉस करके आ गया, फिर खाना हम लोग पूर्णिया में ही खाए थे, फिर डुमका में हम लोग ये लस्सी लेके आए थे, तो खाना खाने के बाद में पियेंगे सोची है, तो सब लोग उसी को पीने में लगी है अभी, फिर मैं भी उसी को पी रही हूँ अभी। ये खाली सा एक पेट्रोल पंप मिला है, इसी में रुक के हम लोग थोड़ा सा बना के पी रहे हैं सब लोग। अच्छा है। लस्सी पूरी खाएंगे, झटकन में बसाएंगे। हम लोग लस्सी पी रहे हैं और हम लोगों का जो अंकल है ये अपना खजाना खुल के खजाना खाने वाला है। अंकल देखो इधर में खजाना खा रहा है। और हम ही इतना दूर से चल के थोड़ी सी गला भी खराब हो गया है। अभी सिलीगुड़ी पहुंच गया है हम लोग, और फिर इधर में सामने में ही गोर मिठाई बेस्ट रेस्टोरेंट है, इधर में वेजिटेरियन खाना मिलता है, तो उस रेस्टोरेंट में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोगों का जो होम टाउन है उसको पहुंचने के लिए करीबन 4 आवर नहीं तो 4.5 आवर लगेंगे, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। हम जो सत्संगी लोग प्योर वेजिटेरियन है ना, उसको प्योर खाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होता है जब देवगढ़ जाता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, सिलीगुड़ी में फ्लाई ओवर के नीचे में गुड़ मिठाई
अभी हम लोग सेबोक रास्ते से सिलीगुड़ी से निकल के जा रहा है। ये पहाड़ी रास्ते है, बहुत टेढ़े मेरे रास्ते, इसलिए बहुत ध्यान से गाड़ी को चलाना पड़ेगा। और अभी हम लोग हसीबारा में थोड़ी सी चाय पीने के लिए उतरी है, जो कि गुरुद्वारा के सामने है। रात में भी ये खुला है, रात की 12:30 बजे है। और अभी हम लोग हसीबारा गुरुद्वारा के सामने में गाड़ी रुकी हुई, क्योंकि हम लोगों की जो ड्राइवर है उसको भी काफी नींद लग चुके थे और मैं भी नींद को रोक ही नहीं पा रहे थे। सो सुबह आई हूँ तो सड़क के बीच में अभी हम लोग चाय पीने वाला है हाईवे के सामने। यस गाइस, अभी मैं मेरी कॉलोनी में पहुंच गया है। इतना लंबा जर्नी के बाद में मेरी पापा मेरे को रास्ते से पिक किया, वो हाईवे की रास्ते से। फ्रेंड्स, अभी मैं मेरी घर में पहुंच गई हूँ इतनी लंबी जर्नी की बात में, और अच्छा लगा, मतलब कि ऐसा इतना लंबा जर्नी के बाद में थोड़ी सी टायर्ड भी हो गई हूँ। और मतलब कि मेरे पापा जो है वो मेरे को हाईवे में पिक करने के लिए गया, क्योंकि हम लोगों के जो ड्राइवर थे उसको घर में मतलब कि ड्रॉप करने के बाद में मेरी जो फ्रेंड के पापा है वो मतलब कि धीरे धीरे से चला के लेके आया। और मेरी जो मतलब कि थोड़ा घूमना फिरना इतना तक ही था, आगे मैं और वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए घूमने का, खाने का, ये सब। तो मैं थोड़ा सा फ्रेश अप होके रेस्ट करती हूँ, काफ़ी लंबा जर्नी था, थक भी गया है। तो इतना तक ही था मेरी वीडियो। सो टेक केयर, बी पॉजिटिव, लव यू एवरीवन।